हेलो पीपल आ वेरी वाम वेलकम टू कंसाइज क्लासेस तो स्टूडेंट आज आपका लेक्चर थ्री है और आज के सेशन में हम इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्सिट्यूशन को डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है बिकॉज जो आपकी सारी टीचिंग एग्जाम्स का एक लेवल रहता है चाहे वो के वी एस डी ट्रिपल एस बी एन बी एस हो उसके अकॉर्डिंग इसमें वर्ड्स इंक्लूड करे गए हैं दैट इज़ वाई ये सेशन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को विदाउट स्किप करें एंड तक देखना और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो कंसाइज क्लासेज आप सर्च करना वहाँ उसका नाम इंग्लिश क्लासेज है बिकॉज ये इंग्लिश ओरियंटेड चैनल है लेकिन वहाँ पर लोगों आपको कंसाइज क्लासेज का ही मिलेगा तो आप आराम से उसे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो और एवरी डे जो भी मैं आपको लेक्चर्स देती हूँ दो दिन में आप उसे पढ़ो और नेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो इस तरह से आपका रिविजन भी होता रहेगा तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड इज स्टूडेंट आपका पोजेसिंग अनलिमिटेड पावर्स कहने का मतलब है जब किसी के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं अनलिमिटेड होती है इनफाइनाइट होती हैं है, उसे हम कहते हैं ओमनीपोटेंट ठीक है वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स अलोन अलोन होगा अलाइन नहीं एल ओ एन ई सही कर लेना उसे हम कहते हैं रेक्लूज जो सोसाइटी से खुद को रिटायर कर लेता है और बिल्कुल अलग रहता है उसे हम कहते हैं रेक्लूज द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स ब्रिक्स एक्सेट्रा विथ क्ले एक आर्ट होती है एक कला होती है पॉट ब्रिक्स बनाने की फ्रॉम क्ले जिसे हम कहते हैं सेरामिक्स ठीक है ceramics, नेक्स्ट है लिविंग एट द सेम टाइम जो आपके साथ एग्जिस्ट करता है एक साथ रहता है ठीक है एक मतलब सेम समय में आपके साथ एग्जिस्ट करता है उसे हम कहते हैं कंटेम्प्रेरी नेक्स्ट हम बात करते हैं वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री जो किसी और कंट्री में जाता है रहने के लिए उसे हम कहते हैं एमीग्रेंट मैंने आपको बताया था जैसे इंडिया इंडिया में कोई अमेरिका से आएगा तो वो हमारे लिए हो जाएगा इमिग्रेंट और लेकिन इंडिया से कोई अमेरिका में जाएगा तो वो हमारे लिए हो जाएगा एमिग्रेंट ठीक है नेक्स्ट है वन हु हेट्स मैन काइंड जिसे इंसानियत से बिल्कुल लगाव नहीं है उसे हम कहेंगे मीजन थ्रो बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो दुनिया के हर एक पार्ट से बिलोंग करता है उसे हम कहते हैं कॉस्मोपोलिटन वन हु वॉक्स ऑन रोप जो रस्सी पर चलता है आपने देखा है कुछ लड़कियाँ जहाँ चलती हैं रस्सियों पर करतब दिखाती हैं यू नो तो उसे हम कहते हैं फनाम्बलिस्ट ठीक है द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स जो वर्ड्स होते हैं वो कहाँ से आए हैं क्या उनकी हिस्ट्री है क्या उनका ओरिजिन है उसे हम कहते हैं एटामोलॉजी अ पर्सन हु ब्रेक्स इन टू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील जो किसी और के घर में जान पूछ कर घुस जाता है ठीक है कुछ चुराने के लिए उसे हम कहते हैं बोगलो नेक्स्ट है मैप्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट कार्टोग्राफी टफ टिश्यूज इन जॉइंट्स हमारे टिश्यूज में कुछ टफ टिश्यूज़ होते हैं जिन्हें हम लिगमेंट्स कहते हैं द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस कोई न्यू डिवाइस बनाए उसका जो पहला मॉडल होता है उसे हम कहते हैं प्रोटोटाइप ठीक है अ बिल्डिंग वेर एन ऑडियंस सेट एक बिल्डिंग जहाँ पे ऑडियंस बैठती है उसे हम कहते हैं ऑडिटोरियम गिव एंड रिसीव म्यूचुअली जब आप रिसीव भी कर रहे हो और दे भी रहे हो म्यूचुअली जैसे आप दिवाली की विशेष देते हो तो उसे हम क्या कहेंगे रेसिप्रोकेट सो दैट्स ऑल इन टूडे सेशन पीपल आज के सेशन में हमने फिफ्टीन मोस्ट इंपॉर्टेंट वन और साफ को डिस्कस कर लिया है बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो अपना प्रॉपर्ली नोट्स मेंटेन करना प्रॉपर्ली रिवाइज करना थैंक यू सो मच